रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और बहुत ही अच्छी PSU है। इसमें आए हैं मोस्टली आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो या फिर आप टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हो, उन लोगों के लिए वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज मैंशन 3 तारीख से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 10 बजे से, और 3 तारीख 3 नवंबर 2020 को ही NPCIL की जो वेबसाइट है उस पर इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। आप गूगल पे अगर टाइप करेंगे NPCIL करियर से NPCIL रिक्रूटमेंट करके, फर्स्ट लिंक जो भी NPCIL का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आएगा उसमें इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपका जो भी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होगा वो होगा। बट अभी इसमें डिटेल्ड पोस्ट हमें दी हुई हैं। कैटेगरी 1 टाइप एंट्री ट्रेनिंग्स का है ये, तो 164 टोटल हैं और टोटल बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें दी हुई हैं। अगर आप देखते हो तो डिप्लोमा होल्डर्स, मेनली डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस, ग्रेजुएट्स इन साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इस तरीके से आप ये अप्लाई कर सकते हो 3 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 3 नवंबर से 24 नवंबर तक। फिर इसमें डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी 1 है ये, स्टाइपेंडरी ट्रेनीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद BSc केमिस्ट्री अगर आपने की है, BSc फिजिक्स आपने की है, फिर साइंटिफिक असिस्टेंट C है, ये एक अच्छी पोस्ट है। सेफ्टी सुपरवाइजर सिविल, साइंटिफिक असिस्टेंट B है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड HR में, ओके, F&A ये कुछ है। अभी देखते हैं इसमें डिटेल दी हुई है, स्टेनोस की पोस्ट है, तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं। टोटल मिला के आई थिंक 300 के करीब ये टोटल पोस्ट हैं, ओके। सो एज लिमिट इसमें दी हुई है सबकी, आप उसमें देख सकते हो। जो भी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स हैं 18 to 25 years, तो 25 years तक अगर आपकी एज है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग मेनली आपको सिखाया जाएगा लर्निंग का, बहुत ही अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी है। आगे जाके आप दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू में इफ़ यू से NPCIL में आपने स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की है तो काफ़ी वेटेज इसमें आपको मिलेगा मुझे लगता है, ओके। सेकंड ईयर में 18,000 तो स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको पे मिल रही है, आपको वहाँ पे रहने और इन सब की व्यवस्था भी पूरी होती है अच्छे से, ओके। सेकंड ईयर में 18,000 आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग आर लाइकली टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट B, ग्रुप B में आपका होगा, लेवल 6 पे आप आ जाओगे, ओके। तो NPCIL में आपका रिक्रूटमेंट पक्का हो जाएगा 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, राइट। तो इसमें सारी जो पोस्ट एडवर्टाइज हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट C में आपको बता रहा था 18 to 35 years इसकी एज है, इनिशियल पे लेवल 7 में आपको मिलेगा, ओके। और फिर साइंटिफिक असिस्टेंट B तो लेवल 6 है ही, असिस्टेंट ग्रेड HR वगैरह में ये अलग हमारी पोस्ट है, ओके। सो टोटल जितनी भी पोस्ट हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। और डिटेल नोटिफिकेशन इसका 3 तारीख को आएगा, तो आप अभी से इसका अपना जो भी है एक रिमाइंडर वगैरह लगा सकते हो। जितने भी जो भी हमने इसमें क्वालिफिकेशंस डिस्कस करी हैं BSc फिजिक्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, राइट, तो ये आप देख सकते हो। और इसमें लास्ट में लिखा हुआ भी है कि डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट शैल बी अवेलेबल ऑन NPCIL वेबसाइट NPCILcareers.co.in फ्रॉम 3rd of November एट 10:00 आठ, मतलब सुबह के 10 बजे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा।